हेलो स्टूडेंट, आई एम विजय अत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ABSIT गाजियाबाद। वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड में टोटल दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा आईसी इंजन्स, इसमें आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड होगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो, पहले हम स्टार्ट करते हैं आईसी इंजन। आईसी इंजन को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज हीट, क्योंकि आईसी इंजन में हीट का ही ट्रांसफर होता है। अगर हम हीट की बात करें, हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। जब कभी भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और उन बॉडीज में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में आपस में हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगी, और वो हीट ट्रांसफर तब तक होगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में तब तक नहीं होंगी जब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, मींस हीट हमारी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जा रही है। तो हीट डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रही, सिर्फ क्या हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो रही है। सो हीट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही क्रिएट होती, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसमिट होती है। क्लियर हीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आईसी इंजन, इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन। हम जब आईसी इंजन की बात करें, इसका मतलब होता है, आई का मतलब हो गया इंटरनल और सी का मतलब हो गया कंबशन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म है हमारी इंजन और सेकंड टर्म है हमारी इंटरनल कंबशन। तो पहले हम इंजन की स्टडी करते हैं कि इंजन क्या है। इंजन, एन इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। इंजन क्या है कि जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं इंजन। पर ये डेफिनेशन हमारी ओल्डर डेफिनेशन है, जो हम पहले कभी 80s की उसमें डिफाइन करते थे इंजन को, कि इंजन एक वो डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे यहाँ ये एग्जांपल लिया हुआ है कि इस आर्म के थ्रू यहाँ पर एक टॉर्जनल स्प्रिंग लगी हुई है, ये जब हम इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, ये टॉर्जनल स्प्रिंग में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब इसे नीचे करने के बाद इसमें जो रॉल्स हैं इन्हें रख के हम छोड़ते हैं, तो इस आर्म के थ्रू ये हमारे आगे पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो इस स्प्रिंग की एनर्जी थी उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे थ्रो करने में, काइनेटिक एनर्जी में। तो एक तरह से इंजन होना चाहिए, बट ये इंजन नहीं है। जो इंजन की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन होती है हीट इंजन। हीट इंजन और इंजन एक ही बात होती है। हीट इंजन में क्या है कि हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, किसको, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी डायरेक्ट तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस थर्मल एनर्जी को किसी यूजफुल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस थर्मल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ इनपुट दिया मैंने हीट इनपुट, यहाँ वाटर है, वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में, और स्टीम से ये जो मेरा अरेंजमेंट है यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को ये मूव कराएगा, और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के थ्रू
ये मेरी एनर्जी जो ट्रांसलेटिंग एनर्जी है ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, इस व्हील में चली जाएगी और ये व्हील को रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक इंजन है। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में। इंजन की डेफिनेशन क्लियर। प्रीवियसली हम इंजन जो बोलते थे वो सिर्फ ये बोलते थे कि किसी भी एक फॉर्म को, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही इंजन होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। अब हमने यहाँ टर्म डिफाइन की हीट इंजन, और हीट इंजन को इंजन बोला जाएगा सिंपल। हीट इंजन की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन दो टाइप से होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। हीट इंजन का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन क्या है कि कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जो कंबशन होता है वो सिलेंडर के इंजन के अंदर ही होता है। अगर इंजन के अंदर जब कंबशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन, या तो वो सिलेंडर के अंदर हो, कंबशन चैम्बर के अंदर हो, उसे बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। यानी कि इंटरनल का मतलब क्या हो गया, अंदर ही कंबशन हो। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है कि जब फ्यूल का कंबशन कहीं एक्सटर्नली हो रहा हो और उसकी एनर्जी को हम साइकिल में यूज कर रहे हो, उसकी एनर्जी को हम ट्रांसमिट करके यूज करते हो, वो हमारा होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल में इंजन के अंदर ही कंबशन होगा, एक्सटर्नल में इंजन के बाहर कंबशन होगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं, हम अभी आगे इसकी कंप्लीट डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनल कंबशन को रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जहां रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटरी इंजन, और जहां रोटरी मोशन होता है वो रोटरी इंजन। ऐसे सेम हमने एक्सटर्नल को रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी इंजन। अब रेसिप्रोकेटिंग के जो एग्जाम्पल आते हैं SI इंजन एंड CI इंजन। SI स्पार्क इग्निशन इंजन, CI कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब SI इंजन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक। सिमिलरली CI इंजन को फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चारों को, फोर स्ट्रोक SI इंजन, टू स्ट्रोक SI इंजन, फोर स्ट्रोक CI इंजन, टू स्ट्रोक CI इंजन। दूसरा हमारा रोटरी टाइप का। रोटरी में जो एग्जाम्पल आता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन जो होगी वो हमारा कौन सा होगा, इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल में रोटरी का एग्जाम्पल स्टीम इंजन और रेसिप्रोकेटिंग का, और रोटरी का एग्जाम्पल हो गया क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज साइकिल किसका है हमारा, एक्सटर्नल का, और ओपन साइकिल गैस टरबाइन हमारा किसका है, इंटरनल कंबशन इंजन, देन स्टीम। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन की डेफिनेशन को यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। हमने अभी डिफरेंस पढ़ा था कि फ्यूल का जो कंबशन होता है अगर वो इंजन के अंदर हो रहा है, कंबशन चैम्बर में हो रहा है, सिलेंडर में हो रहा है, तो वो हमारा होगा इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे यहाँ देखते हैं हम, ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट, ये हमारा कंप्लीट इंजन है। ये हमारा एक कंप्लीट इंजन है जिसमें हमने कंप्रेसर लगाया हुआ है, एक कंबशन चैम्बर है, एक टरबाइन है, और टरबाइन से हमें वर्क आउटपुट मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि फ्रेश एयर यहाँ आती है कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेस होती है, देन कंबशन चैम्बर में जाती है। जब कंबशन चैम्बर में जाती है तो वहां हम फ्यूल की एंट्री कराते हैं, यहाँ कंबशन होता है, और कंबशन होने के बाद इसे हम टरबाइन में भेज देते हैं जहाँ ये एक्सपेंड हो जाता है और इससे हमें वर्क आउटपुट मिल जाता है, और जो वेस्ट गैसेज होती है वो हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है। ये हमारा ओपन साइकिल टरबाइन हो गया, क्योंकि ये क्या है, साइकिल ओपन है, इसमें कोई क्लोज लूप नहीं है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल का जो कंबशन होगा वो आउटसाइड में होगा, और वहां से हम एनर्जी को लेके आएंगे और उस एनर्जी को हम साइकिल में यूटिलाइज करेंगे, इंजन में यूटिलाइज करेंगे। अब इंजन के कंपोनेंट यहाँ भी, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन एंड इंटरकूलर। ये एग्जाम्पल है हमारा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का। कंबशन कहाँ हो रहा है, कहीं बाहर हो रहा है, और इसकी हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं कहाँ,
हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में इसकी हीट को हम किसे दे रहे हैं, वर्किंग फ्लूइड को, और यहाँ वर्किंग फ्लूइड क्या है हमारा, एयर, क्योंकि एयर की कोई प्रॉपर्टी हमारी चेंज नहीं होगी हीटअप करने पर भी, यहाँ भी एयर होगा और हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होने के बाद भी वो एयर होगा। तो कंप्रेस एयर होके आई, कंप्रेस में कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद हीट एक्सचेंजर में गई, हीट एक्सचेंजर में जो कंबशन हो रहा था उसकी एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया और हीट ट्रांसफर करके उसे टर्बाइन में एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद यहाँ हमने वर्कआउट कर दिया। अब इसी एयर को हम एक्सपेंड ना करके, एक्सपेंड करने के बाद एग्जॉस्ट ना करके इसी को कूल करते हैं और इंटरकूलर में भेज देते हैं, इंटरकूलर में ये कूल होती है, अगेन इसी एयर को हम यूटिलाइज करते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। उसके बाद इनका जो मेन डिफरेंस है वो है कि आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन की फुल फॉर्म हो गई इंटरनल कंबशन इंजन, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इटसेल्फ आर द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो उसी वर्किंग साइकिल का वर्किंग फ्लूइड होगा, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ट्रांसफर हीट एनर्जी टू द अनदर फ्लूइड, वो क्या करता है हमारा एक दूसरे फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करता है, दैट फ्लूइड इज वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। अगर पूरी साइकिल में हमारा वर्किंग फ्लूइड एक ही हो तो वो हमारी होगी इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे यहां एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये पंप, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर, अगर हम इसे देखें तो ये एक कंप्लीट इंजन है और उस इंजन के चार पार्ट हैं। इसमें जो कंबशन होता है वो कंबशन हमारा बॉयलर के अंदर होता है, तो ऐसे देखें तो हम ये इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, क्योंकि इंजन के अंदर ही कंबशन हो रहा है इसलिए ये इंटरनल कंबशन हो गया। बट अगर वर्किंग मीडियम की बात करें, जो ये हमने यहां देखा वर्किंग फ्लूइड, क्या पूरी साइकिल में वर्किंग फ्लूइड एक ही है, अगर एक है तो ये इंटरनल कंबशन इंजन होगा, अगर एक नहीं है तो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो मेन पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट हुआ कि फ्यूल का कंबशन इनसाइड द सिलेंडर होना चाहिए, इनसाइड द इंजन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा हुआ कि वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो एक ही होना चाहिए पूरी साइकिल में। जब बॉयलर के अंदर हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो हमारी जो यहाँ से गैस आती है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, तो वर्किंग मीडियम कितने हो गए यहाँ पर, दो, इसलिए ये एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ये क्या कर रहा है, हमारे गैस को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होगा। उसके बाद रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, रोटरी क्या है, जो रोटेट होता है, इसमें क्या है, टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट इन आईसी इंजन इज मच लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। आईसी इंजन का टेम्परेचर जो होगा वर्किंग फ्लूइड के टेम्परेचर से कम होगा, वेट टू पावर रेशियो लेस होगा, वेट और पावर रेशियो हमारा लेस होगा। जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट की वजह से हाई होंगे, और वैरायटी ऑफ फ्यूल कैन नॉट बी यूज, फ्यूल की वैरायटी हम डिफरेंट डिफरेंट यूज नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल्स में या शिप में या लोकोमोटिव्स में, एयरक्राफ्ट में हम इन्हें यूज करते हैं। अब बात आती है हमारी बेसिक कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन के अंदर हम कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट यूज करते हैं, ये हम देखते हैं कौन कौन से हमारे मेन मेन कंपोनेंट होते हैं। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये एक लाइन डायग्राम है आईसी इंजन का, ये हमारा आईसी इंजन का एक डायग्राम है जिसे बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर असेंबली। तो हम एक एक कंपोनेंट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस डायग्राम में हम बताते चलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा सिलेंडर, नाम से पता चल रहा है कि सिलेंडर, कोई भी सर्कुलर सेक्शन, देखो यहां दिखाया हुआ है ये जो पोर्शन है मेरा, ये क्या है मेरा सिलेंडर, ये लिखा हुआ है सिलेंडर।
तो सिलेंडर क्या है? सिलेंडर इज ए वेसल इन विच द पिस्टन मेक्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये जो सिलेंडर है इसके अंदर क्या होता है, पिस्टन अप और डाउन मूवमेंट करता है। पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है इस सिलेंडर के अंदर। अब सेकंड कंपोनेंट पिस्टन, ये डायग्राम में अगर देखते हैं तो इसे बोलते हैं पिस्टन। इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर असेंबली। देखो आउटर क्या है हमारा, सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, और इसके अंदर ये हो गया हमारा पिस्टन। और ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन इसके अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। ये पिस्टन इसके अंदर अप और डाउन मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। पिस्टन क्या है, पिस्टन इज ए सिलेंडर कंपोनेंट। पिस्टन क्या है, सिलेंडर का एक कंपोनेंट है। फिटेड इनटू द सिलेंडर, जो कि सिलेंडर में फिट रहता है, फॉर्मिंग द मोशन बाउंड्री ऑफ द कंबशन चैंबर। पिस्टन सिलेंडर क्लियर हो गए, सिलेंडर में हमारा मोशन करता है पिस्टन, और पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेट करता है, और यहां पर यह फिट रहता है। उसके बाद कंबशन चैंबर, नेक्स्ट है हमारा कंबशन चैंबर। अब जिस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर फ्यूल का कंबशन होता है उसे हम बोलते हैं कंबशन चैंबर। द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। सिलेंडर हेड होता है ये, इस सिलेंडर हेड से पिस्टन के टॉप के बीच में ये जो पोर्शन है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं हम कंबशन चैंबर, जहां फ्यूल का कंबशन होता है। उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक का क्या मतलब है, एंट्री करना, और मैनिफोल्ड बोलते हैं हम उसके सिस्टम को, इनटेक मैनिफोल्ड। जिस सिस्टम से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, ये एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर किसमें आएगा, फोर स्ट्रोक में, और टू स्ट्रोक में हमारा सिर्फ एयर आएगी। तो जो हमारा कंबसन के लिए इनपुट पैरामीटर चाहिए एयर फ्यूल मिक्सचर, वो हमारा पाइप के थ्रू जो अंदर आता है उसे बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। द पाइप विच कनेक्ट्स द इनटेक सिस्टम टू द इनलेट वाल्व ऑफ इंजन एंड थ्रू विच चार्ज इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर इज कॉल्ड इनलेट मैनिफोल्ड। चार्ज यहां से आता है वो हमारा हो गया इनलेट मैनिफोल्ड। उसके बाद है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट का मतलब अंदर आना, एग्जॉस्ट का मतलब बाहर जाना। जो हमारे प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बचते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो इस सिस्टम से जो एग्जॉस्ट होते हैं बाहर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। वो होता है हमारा ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये हमारा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इससे क्या है, अनबर्न पार्टिकल, एग्जॉस्ट जो भी होता है वो हमारा प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं, वो हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इसकी डेफिनेशन देखें, द पाइप विच कनेक्ट द एग्जॉस्ट सिस्टम टू द एग्जॉस्ट वॉल्व एंड कैरी कंबशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, वो हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। उसके बाद है इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। ये वॉल्व होते हैं जो हमारे ऑपरेट रहते हैं कैम फॉलोवर अरेंजमेंट से, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की हेल्प से ही फ्यूल इनलेट के थ्रू अंदर आता है और एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आता है। देखो ये जो पाइप्स हैं, ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड पर लगा हुआ है तो इनलेट हो गया, और ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा हुआ है तो एग्जॉस्ट हो गया। इनलेट वॉल्व आईवी, एग्जॉस्ट वॉल्व ईवी, ये आ रहा है पाइप के थ्रू, और ये ऑपरेट किससे होता है, कैम फॉलोवर अरेंजमेंट से। इसकी जैसे ये वॉल्व ओपन होगा नीचे आएगा, ओपन होते फ्यूल कहां जाएगा, अंदर आएगा, और जैसे ये ओपन होगा फ्यूल कहां होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो फ्यूल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पर डिपेंड होती है, इसके वॉल्व्स पर, कब वॉल्व ओपन हो रहा है, कब वॉल्व हमारा क्लोज हो रहा है, उस पर ये डिपेंडेंट होती है। ये क्लियर दिख रहे हैं यहां पर, ये रहे। उसके बाद हमारा है क्रैंक पिन। क्रैंक पिन क्या होती है हमारी, जो पिन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को कनेक्ट करती है,
देखो इसे बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कनेक्टिंग रॉड, और इसे बोलते हैं क्रैंक। इस क्रैंक की हेल्प से कनेक्टिंग रॉड को हम कनेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों कनेक्ट रहती हैं उन्हें बोलते हैं क्रैंक पिन। उसके बाद सेकंड है हमारी गजन पिन और पिस्टन पिन। गजन पिन क्या होती है कि जो पिन कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से कनेक्ट, नाम से ही पता चला है पिस्टन पिन, किसे कनेक्ट कर रही है हमारी पिस्टन को, और किसको साथ में कनेक्टिंग रॉड को, जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं गजन पिन। तो कनेक्टिंग रॉड के, ये हमारी होगी कनेक्टिंग रॉड, और इस कनेक्टिंग रॉड के दो एंड होते हैं, एक एंड क्रैंक पर कनेक्ट होता है और दूसरा एंड हमारा पिस्टन पर कनेक्ट होता है। जो पिस्टन पर कनेक्ट होता है उस पिन को बोलते हैं गजन पिन, और जो क्रैंक पर कनेक्ट होता है उस पिन को बोलते हैं हम क्रैंक पिन। उसके बाद लास्ट आया क्रैंक, नेक्स्ट आया क्रैंक केस। क्रैंक केस, क्रैंक केस क्या होता है, जो पिस्टन के नीचे का टोटल एरिया होता है, पिस्टन के नीचे ये जो एरिया है मेरा ये सारा, ये इसे बोलते हैं क्रैंक केस, इसे बोलेंगे हम क्रैंक केस। उसके बाद अगर हम यहां देखें, देखो इनलेट वॉल्व हो गया, जिस वॉल्व के थ्रू इंटेक मैनिफोल्ड ओपन और क्लोज होता है, इंटेक मैनिफोल्ड हो गया, इंटेक मैनिफोल्ड से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर जाता है। उसके बाद एग्जॉस्ट वॉल्व और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ओपनिंग क्लोजिंग होती है, प्रोडक्ट्स हमारे हो गए जो इससे एग्जॉस्ट होते हैं, सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन मूव होता है और ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, पिस्टन इसकी क्लोज बाउंड्री को अटैच करके रखता है और इसमें रेसिप्रोकेट करता है और इसे सिलेंडर पिस्टन को गाइड करता है। गजन पिन होती है जो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है। सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर की आउटर बाउंड्री जो होती है, ये जो आउटर बाउंड्री है सिलेंडर की, इसे हम बोलेंगे सिलेंडर ब्लॉक। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक हमारी ये है, अब ये क्रैंक एक एंड पर जो कनेक्ट होती है इससे एक शाफ्ट अटैच रहती है ऐसे कहीं अदर जगह पर, तो उसे बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, और ये क्रैंक के साथ रोटेट होती है और वहीं से हम पावर आउटपुट लेते हैं, फिर वही क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक केस, ये लोअर पोर्शन जो हमारा होगा वो क्रैंक केस होगा। सम्प, ये लोअर बाउंड्री सम्प हो गई। क्रैंक, ये क्रैंक और क्रैंक पिन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर नेक्स्ट देखें हम स्पार्क प्लग, सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात, स्पार्क प्लग, इसी स्पार्क प्लग की हेल्प से फ्यूल हमारा बर्न होता है, और ये सिलेंडर हेड पर लगा रहता है, ये दिखा हुआ स्पार्क प्लग, इसी से हमारा जो प्रोडक्ट होता है कंबशन, इसके अंदर फ्यूल होते हैं वो हमारे बर्न होते हैं। क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, अभी पीछे बता दिया मैंने क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड हमारी ये रही कनेक्टिंग रॉड, एक एंड पिस्टन पर लगा हुआ है और एक एंड ये है जो क्रैंक पर लगा हुआ है, जैसे यहां दिखाया हुआ है, ठीक, और ये हमारी क्रैंक हो गई। पिस्टन रिंग, ये सबसे जरूरी चीज है, पिस्टन रिंग, जो पिस्टन होता है यहां दिखाया हुआ है ये पिस्टन, तो इस पिस्टन में ग्रूव्स बने रहते हैं, ये बने हुए ये रहे, तो इन ग्रूव्स में 1, 2, 3 ग्रूव्स होते हैं, इन ग्रूव्स में पिन लगाते हैं हम, और उन वो पिन हमारी रिंग वो लगाते हैं, वो रिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्रेशन रिंग और एक होती है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग हमारी ऊपर वाली दोनों ये और ये दोनों हमारी कंप्रेशन रिंग होती है, ये रिंग ये और ये कंप्रेशन रिंग क्या करती है कि ये जो सिलेंडर बॉडी है हमारी ये, और ये हमारा जो पिस्टन है, इस पिस्टन और सिलेंडर बॉडी के बीच में जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं तीन हमें स्पॉट, ये तीनों स्पॉट, इन्हें एयर टाइट करके रखते हैं कि जो फ्यूल है हमारे बाउंड इसके अंदर, जो ये फ्यूल्स हैं, ये फ्यूल्स फ्लो होके हमारे नीचे ना आ पाए, इसके लिए ये एयर टाइट रखते हैं इन्हें सिलेंडर पिस्टन रिंग। और ये जो तीसरी रिंग होती है, इस तीसरी रिंग को हम बोलते हैं ऑयल रिंग। ये क्या करती है कि जब ये रविंग पोर्शन एक्शन हो रहा है यहाँ पर, जब ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से यहाँ पर पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
उस पावर लॉस को कम करने के लिए हम यहाँ पर लुब्रिकेंट करते हैं, तो एक ऑयल रिंग की हेल्प से यहाँ पर लुब्रिकेशन होता है। अब इसकी ऑपरेशन दिखाते हैं। देखो एक वॉल्व ये हो रहा है, ये इनलेट मैनिफोल्ड पर है, इनटेक वॉल्व हो गया, एग्जॉस्ट वॉल्व हो गया, ये कैम के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग इस पर डिपेंडेंट होती है, और ये पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन, पिस्टन का मूवमेंट अप एंड डाउन, जिसकी वजह से यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क देता है, यहाँ फ्यूल इनटेक हो रही है या फ्यूल का एग्जॉस्ट हो रहा है। जब ये ओपन होता है इनलेट, फ्यूल इनटेक हो जाता है, एग्जॉस्ट ओपन होता है, फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है। नोमेनक्लेचर, किसको क्या बोला जाएगा, अब बात आ गई किसको बोला क्या जाएगा। जैसे एक लाइन डायग्राम ये हमने बना दिया सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया इस टाइप से, और ये हमारा इसके अंदर पिस्टन बना दिया, ये रिंग दिखा दी इसकी, ठीक। तो सबसे पहले सिलेंडर बोर, सिलेंडर बोर का मतलब है उस सिलेंडर की विड्थ कितनी है, डायमीटर कितना है। तो ये डिस्टेंस जो होगी हमारी, ये होगी सिलेंडर बोर, सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर जो होगा उसे हम बोलेंगे सिलेंडर बोर। उसके बाद होता है स्ट्रोक, पिस्टन का जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, तो उसका जो मैक्सिमम मूवमेंट होगा अप टू डाउन उसे हम बोलेंगे स्ट्रोक। सिलेंडर मैक्सिमम यहां तक जा सकता है और बॉटम में मैक्सिमम यहां तक आता है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा होगा स्ट्रोक। उसके बाद आता है टीडीसी और आईडीसी और बीडीसी और ओडीसी। टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर और आईडीसी होता है इनर डेड सेंटर, बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर और ओडीसी होता है आउटर डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब ऊपर कितनी दूर तक सिलेंडर हम पिस्टन हमारा जा सकता है, ये मैक्सिमम यहां तक जा रहा था, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा हमारा ये हो गया टॉप डेड सेंटर। बॉटम में मैक्सिमम यहां तक आ रहा था, तो ये हो गया हमारा बॉटम डेड सेंटर। सिलेंडर आउटर बॉडी पिस्टन, ये हो गया टीडीसी बीडीसी, ये फ्यूल यहाँ से आ रहा है इंटेक मैनिफोल्ड, फ्यूल यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और ये सिलेंडर हेड हो गया और यहाँ हम स्पार्क प्लग लगा रहे हैं। स्ट्रोक समझ में आ गया, सिलेंडर बोर। उसके बाद आता है क्लियरेंस वॉल्यूम, जब ये पिस्टन ऊपर मूव होता है, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, मैक्सिमम आया यहाँ तक, बट उसके बाद भी यहाँ स्पेस बचा हुआ है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्यूल रहता है, जो स्पेस बचा रह जाता है उस पर्टिकुलर स्पेस को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जो स्पेस टीडीसी से सिलेंडर हेड के बीच में होगा उस पर्टिकुलर स्पेस को बोलेंगे हम क्लियरेंस वॉल्यूम। उसके बाद आता है स्वेफ्ट वॉल्यूम। स्वेफ्ट वॉल्यूम की बात करें, मैक्सिमम यहां तक जा रहा था, मिनिमम यहां तक, इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम होगा, यानी कि जो स्ट्रोक लेंथ जितनी है टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे स्वेफ्ट वॉल्यूम, और टीडीसी से ऊपर जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये स्वेफ्ट वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है मेरी डी, यहां से यहां तक ये लेंथ क्या है मेरी एल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये लेंथ है मेरी एल, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। तो स्वेफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। इंजन कैपेसिटी हम इससे निकाल सकते हैं स्वेफ्ट वॉल्यूम के हेल्प से, के इंटू वी एस, के एक कॉन्स्टेंट पैरामीटर है। और इस सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम की बात करें तो देखो ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हमारा स्वेफ्ट वॉल्यूम, तो यहां से यहां तक टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, दोनों का समेशन, अगर हम दोनों का समेशन कर दें तो यहां से हमारा स्वेफ्ट वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम टर्म डिफाइन करते हैं कंप्रेशन रेशियो, और इसे डिनोट करते हैं आर से। कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी, एक वी सी से वी सी कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा वन प्लस वी एस अपॉन वी सी, ये हमारा हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट था हमारा, जिसमें हमने आईसी इंजन के बारे में पढ़ा, देन उसके कंपोनेंट, उसके बाद हमने उनके पैरामीटर्स, और उसके बाद कुछ फॉर्मूले। थैंक यू।